ये कमदार। आपका असली नाम क्या है? सुलेमान। सुलेमान तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। तो गाइज मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। तो गाइज अभी जुम्मे का दिन है, ये मुझे मिल गया। कहाँ जा रहे हो अभी नमाज़ पढ़ने? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो अभी अम्मी जाएंगे नमाज़ पढ़ने, मैं आया हूँ यहाँ पर अपने बहन के घर, मिलते हैं आपको आगे। तो गाइज मैं नमाज़ पढ़ने जा ही रहा था, ये मेरा चाचू का लड़का कज़न है, ये कमदार। आपका असली नाम क्या है? सुलेमान। सुलेमान तो पप्पू का नाम है। पहले बोलो बिद्दे बिद्दे ना बाबा सारे पे जुत्तों के बना बजा बजा नबी लाती बनाएं। ये भाई एक अंदर पहले चल सकता था, अभी पांव से माजूर है बेचारा। अभी मैं जा रहा हूँ भाई अपना टेस्ट करने, ट्रैवलिंग के लिए कोविड टेस्ट करना पड़ता है, तो लाजमी है फ्लाइट भाई के लिए लिया था हॉस्पिटल में, उधर वहीं पे जाऊँगा इंशाल्लाह। सालिक भाई बुला, तो दुआ करो सब से हमारा ये टेस्ट है ये नेगेटिव है ना, और तो इमूद कहता इंशाल्लाह साफ ही आया। ये मेरा अबू है, ये तलाल है, ये करता उस ग्राम तलाल क्या कर रहा है? आलू 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 आगे मोटा होगा। ये लोग कोई पेस गेम वाले सारे इधर मसरूफ है, पेस गेम खेल रहे हैं। और सावा क्या ले ठीक हो? हंसता है यार। चलो मिलते हैं अभी आगे। अभी गाइस मैंने जैसे बोला था घर में अब्दुल खालिक और भाई तो हम जा रहे हैं अभी वही लियाकत अस्पताल कोविड टेस्ट करने। मेरा लियाकत हॉस्पिटल सबने देखा होगा, नहीं देखा तो खालिक भाई एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आगा खान कहाँ पर है? ये अपना डालमिया से आगे है। अच्छा हम फर्स्ट में अरे फर्स्ट टाइम गए थे, कैसे गए थे? पूछ के गए थे? नहीं नहीं यार, पूछ के क्यों जाएंगे, मेरे साथ पूछ के जाएंगे, डोंट नो हुई है। चलो मिलते हैं अभी हॉस्पिटल में या पेट्रोल डालने में, ठीक है भाई? गाइस अभी हम आए पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल डाल रहे हैं 140 रुपये। मालिक भाई यार उससे बहस कर रहे हैं कि 140 रुपये का 140 दिया पैसे, तुम 96 रुपये का क्यों डाल रहे हो? तो उनका भी मुनाफा है ना यार, उनको भी कुछ कमाने दो ना। समझो जरा इसको। और भाई डेड है यार, भाई कितने का डाला यार? भाई क्या इनकार करते यार, चलो भी ले बर्फ में डाल। जब आए थे अपने गाड़ी पार्किंग में कर लिया है, फिर जाके हॉस्पिटल के अंदर ही है। और कहाँ है ना पर कितने भाई खाले कंपनी का मेरा टेस्ट वो कोने पे होगा, सही है? और क्या बोलते हैं बाइक का पार्किंग कितना दूर है यार? 10 किलोमीटर हाँ ना, इधर तो 50 मेरे ख्याल से रुपये इनको देना पड़ेगा पेट्रोल के लिए। पेट्रोल के लिए हाँ अलग कन्वेंस के लिए अलग देना पड़ेगा। अभी गाइस हम आए थे यहाँ पे वॉशरूम करने, खालिक भाई बिलाल भाई हम हर जगह जाते हैं भाई, पहले अपने आप को फ्रेश करके फिर जाते हैं। तो ये रास्ता है जाने का, ये हमारा इस्लामी मस्जिद जो हर जगह पर मौजूद है माशाल्लाह। अभी गाइस मेरा PCR टेस्ट हो गया कोविड का यार, बड़ा जलालत से नहीं आराम से हो गया। सब बोलते हैं डराते हैं, जिसको भी करना है तो भाई यहाँ लियाकत पे आओ, बिल्कुल आराम से तरीके से करते हैं, आपसे बातचीत करके आराम से करते हैं, कोई में जलालत नहीं टेस्ट में। और खाली भाई ने तो देखा मुझे, खाली भाई कैसे टेस्ट कर रहा था मेरा? कोई जलालत वलालत नहीं हूँ, कितना मजे से हम लोग बगल मास्क से गए बैठे आराम से। अरे तो बोल रहा हूँ ना उसका, तेरे को क्या हो? खुद बात नहीं करता, दूसरों को बात करने में नहीं देता। देखो बगल मास्क से हम लोग गए अंदर बैठे, उसने खुद बोला यार करोना नहीं है क्या करे, मजबूरी है ये भी। चलो अभी चलते बाइक की तरफ, अभी चलते हैं बाइक की तरफ और नेशनल स्टेडियम। सब परेशान है, तू क्या अपना व्लॉग के चक्कर में लगा हुआ है? कौन परेशान है? तू तो परेशान नहीं है ना? अब यार ये लड़ते रहते दोनों, कच्चो हाँ नया लकब कच्चो। आज अभी हम एक्सीडेंट होने वाले हैं लियाकत हॉस्पिटल से यार, यहाँ पे बहुत से हमने बंदे देखे जलील ख्वार हो रहे बाहर बैठे हुए गर्मी में, गर्मी तो नहीं सर्दी है लेकिन फिर भी वो हम किसी को पूछा बोले 18 घंटे से यहाँ बैठे हुए खाली से, क्या कर मजबूर है यार। जो भी बीमार है अल्लाह ताला उसको सेहत आप कर दे, उनकी सारी परेशानी बीमारी को दूर कर दे। और बिलाल भैया गाड़ी निकालना है, हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त है यहाँ पर, लेकिन पैसे भी बहुत जबरदस्त है खालिक भाई। पार्किंग कितने कोने पड़े,
पार्किंग में कितने मोटरसाइकिल हैं यार। इससे अच्छा मेरे ख्याल से जीना टर्मिनल एयरपोर्ट का है, पास तो है। तो गाइज इसके बराबर में लियाकत हॉस्पिटल था, तो ये बराबर में ये कौन सा हॉस्पिटल है तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको गेट तो आने दो पहले। ये भाई कराची का सबसे महंगा तरीन सबसे बड़ा हॉस्पिटल आगा खान, यहाँ पे जो आएगा जेब भर के आए है खालिक भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जेब भर के है। यहाँ पे गरीब लोगों का काम नहीं है, गरीब लोगों का हॉस्पिटल जीना सेवल वो दोनों बेहतर है। ये देख सकते हो आप आगा खान, और इसके बराबर में नेशनल स्टेडियम है। ये इसका रास्ता है, जब PSL चलता है तो ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है, बिल्कुल बंद किया जाता है। तो खुदा ना खास्ता खालिक भाई कोई मरीज वगैरह तो कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना। अभी हम मौजूद है बिल्कुल नेशनल स्टेडियम के सामने सामने, यार अलाउ नहीं है वरना हमको छोड़ दे। तो अंदर मेरे ख्याल से पाकिस्तान प्लेयर के जो प्लेयर्स है सारे वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए अलाउ नहीं है, वरना अलाउ होता है। ये गेट है उसका नेशनल स्टेडियम का, वो पीछे नेशनल स्टेडियम है। ये पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, PSL इंशाल्लाह 2022 का भी बहुत जल्द रेडी होगा। ये मेन गेट है, ये मेन गेट है, यहाँ पे हम पहले भी आए थे जब लोग वगैरह नहीं बनाते थे, अभी बना रहे। तो आज हम गए थे तो आज बोले पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ना, इनके सिक्योरिटी के लिए अलाउ नहीं है। क्यों नहीं छोड़ा, प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए अलाउ नहीं है। ये PSL का मेरा ख्याल से 2022 का कप अधूरा रह गया। अरे में कितना बड़ा कप है यार, ये देखो आपके ख्याल से ये कप इस साल किसके होगा? ये क्वेटा का। अच्छा, क्वेटा के लिए ले लिया। ये सारे प्लेयर्स मौजूद है, शायद चौधरी जी, बिलाल भाई, क्वेटा ये भी क्वेटा वाला भाई, हम भी क्वेटा वाले, इंशाल्लाह क्वेटा ले जाएगा। अरे खाली बात तो चाय पीने आए थे हम होटल में, ये खालिक भाई का फेवरेट होटल है, जब भी यहाँ से गुजरता है इसी होटल से चाय पी के जाता है। खालिक भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई, चाय अच्छा है ना माशाल्लाह। आप चाय के साथ बिस्कुट और केक हमेशा क्यों खाते हैं? फायदे के लिए सही है, फायदे के लिए सही है, चाय पियोगे ना तो मैदे में। अच्छा, ये मतलब हमारे साथ साथ ना घूमता है, तो हम इसको साथ इसलिए रखते हैं, हकीम भी है, हमको हर चीज़ का मशवरा भी देता है। क्या ख्याल है विलाल भाई? बहुत नाइस बंदा है यार माशाल्लाह, खालिक भाई बहुत सपोर्ट करता है हमको। तो अभी हम चाय पी रहे हैं और देखेंगे यार खालिक भाई का होटल का चाय कैसे है भाई। पानी रखा था मेरे लिए यार, बोला नहीं पानी रखा था मेरे लिए, बोला नहीं तुमने। आप मशहूर पे ना यार मेरे चलो पहले मुझे चाय। अभी गाइस हम खालिक भाई कौन से मॉल पे हैं, नाम तो मुझे नहीं पता यार। बिलाल को पता है, बिलाल लेके बिलाल भाई लेके आता है भाई हर मॉल में। खालिक भाई कुछ कहना चाहते हैं बिलाल के बारे में? देखो मॉल का हमें पता ही नहीं होता, हर मॉल पे बिलाल का माशाल्लाह पहचान, जान पहचान बहुत है, हर मॉल पे हमें बिलाल ही लेके आते हैं। हम तो गाँव के बंदे सीधे साधे। बड़े हरामी हो बेटा। बिलाल भाई यहाँ क्या ले जाए बताओ, कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? बेटू घुमान है। अच्छा उबैद को घुमाने, अब उबैद की कल परसों फ्लैट है ना, इस वजह से थोड़ा घुमाएगा, थोड़ा मॉल मॉल। यही सबक सिखाना है कि दुबई से कम नहीं है पाकिस्तान। नहीं ये तो मैं खुद भी कहता हूँ, पाकिस्तान इज द ब्यूटीफुल बोल। खालिक भाई कुछ इंग्लिश सीखना पड़ता है यहाँ पर। जी जी बिल्कुल। अरे ये कुछ कहने का था तुम बोलो, ये बंद करो। अभी फिलहाल तो वही मॉल में घूम रहे हैं। खालिक भाई आपके ख्याल से मॉल में एंटर होकर पहले पहले हम कहाँ जाते हैं? पहले पहले वॉशरूम ढूंढे, क्योंकि हमारे बिलाल भाई को पेशाब लगता है और हाथ मुंह धोता है, अपना फिसल मिसल करके फिर घूमता है यहाँ पर। ये हम तीसरे फ्लोर पे खड़े हैं। बिलाल भाई मैं मुझे बोल रहा अपने घूमता रहता है यहाँ पर। नहीं लेगा यार कुछ तो, कुछ क्या लेगा बिलाल भाई, क्या लेगा? अभी मिलियम मॉल में आ गए भाई। खालिक भाई यार कौन सा घड़ी चाहिए कुछ तो बता दो यार। सोने का घड़ी चाहिए होगा, वैसे तो सारा दिन घूमते रहेंगे इसका कुछ मिलेगा नहीं। खालिक भाई, भाई ये मॉल अच्छा था या वो? मेरे
मेरे हिसाब से वो मॉल अच्छा भरिंग करें। अभी कहा जब मॉल में ही घूम रहे हैं यार, इधर आए थे ये वाला खेलने। ये गेम का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये यार बंद है अभी। तो खालिक भाई ने बोला यार ये गेम खेलता हूँ मैं, बच्चों जैसा गेम खेलता है। ये बोले बड़ों का है, बच्चों का थोड़ी है, बच्चों का ही है। बड़े भी खेलते हैं ना, हमारे इतने खेल लगेंगे यहाँ पर। नहीं मैं नहीं बोल रहा, खालिक भाई बिलाल भी बोल रहा है। कहाँ से बच्चों का, भाई से पूछ लेना यार, भाई से। भाई बड़ों के बच्चों का है, बड़ों का है। चलो अभी एंजॉय कर रहे खालिक भाई, गेम को आने दो, खेलते हैं खालिक भाई। ये तो यूट्यूबर लग रहा ही नहीं है, वो बंदा पहचान रहा ही नहीं है इसको। कौन? नहीं नहीं अभी तो आस्ते आस्ते पहचान लेगा हमको, जैसे नादिर अली को पहचान देगी। बिलाल ये वैसे दो हैंडल है, मैं तुम इधर बैठते हैं, क्या बोलते हो? जीप एक डायरेक्ट मरी है, मरी मरी की हालत खराब है भाई। पंच मिनट है, 5000 रुपये ना मलेंगे तो सही। आयुष बिलाल भाई को वहाँ पर भी कोई गड़ी समझ में नहीं आया, अभी कोई और मॉल पे बलोचो का मॉल है, वीर धीर का तो शॉप यहीं पर है, जाते अंदर देखते कैसा ये मॉल। भाई यहाँ पे हमारे बलोच ड्रेस वगैरह मिलते हैं इस मॉल पर। खाले भाई इस मॉल का नाम क्या है? तस्वीर के लिए टक गया है, तस्वीर के लिए टक गया। अभी शॉप के अपने मीर दिल शॉप के सामने सामने बैठे हैं, अभी थोड़ा भूख लगा था, कब से घूम रहे हैं आपको ही पता है। तो खालिक भाई ने बोला कुछ मंगाते हैं। खालिक भाई क्या मंगाया? गोलगप्पे मंगाए। अरे हाय गोलगप्पे, आज तो मजा आएगा, मजा आए। अच्छा हमारे पास ठेले वाला आते, कौन सा वाला लगाते हैं? गोलगप्पे वाला आया वही। बिलाल भी बताएगा, बिलाल भी बताया। ये भाई बड़े बड़े लोग हैं, कहाँ ये आ गए। हमारे गोल गप्पे वाले कैसे खाते हैं? अच्छा भाई ये हमें सिखाएगा तू, पहले इसको ऐसे कैसे, ये क्या कर रहा है? लेट भी लेके जाते हैं क्या? कैसे महसूस कर रहे हो? कैसे महसूस हो रहा है? अरे भाई आप नहीं मेरा नहीं बना। चल गोल गप्पे इतने मजे के थे कि चार खत्म हो गया, तो एक प्लेट और ऑर्डर करके खालिक भाई ने। खालिक भाई बिलाल ने कितने का है? बिलाल ने चार का है, हम गरीब को दो दो मिले हम दोनों को। बहुत स्पीड है, हमें टकाया इसने, बोला तुम देखो कितने खाते हैं। ये काऊ है, ये लगता शरीफ है लेकिन काऊ एक नंबर का। मैंने इन लोगों को सिखाया कैसे खाया जाए। नहीं भाई खा गया, अभी हम सीख गए, अभी इसको दिखाएंगे हम चार कैसे खाते हैं। वो पीछे आपको है फेमस मीर दिल लेख रहे, देखने दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हमने तो गोलगप्पा खा लिया, अभी हम आए चाय पीने। खालिक भाई को तेरे को पता है कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं है चाय। ये भी मॉल के अंदर है, ये मॉल के अंदर ही है, ये मॉल के अंदर नीचे नीचे नहीं ऊपर ही है, भीड़ झील के पास ही है, वॉशरूम के पास नहीं है, और बाहर है ना। देखो झूठ नहीं बोला, अब नहीं बोला है। ये है टिकटॉक पर बहुत मशहूर शॉप, जहाँ पर चंगेज और कौन है, कौन कौन आया पर बासे सारे वहाँ पे तस्वीरें लगे हुए। अभी जाएंगे यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करेंगे। मीर दिल यहाँ पे सिर्फ ये दुकान नहीं बलोचो का, कहीं और भी शॉप है यहाँ पर। ये देख लो बलोची कीड़िया लगे हुए, देख शाल है जो सर्दियों में पहनते हैं। ये दस्ताब है, दस्ताब ना, ये हमारे कीड़िए प्यारे प्यारे। अंदर भी जाएंगे आपको, अंदर भी दिखाएंगे। अभी असल में हमारे खालिक भाई कहाँ गए अंदर में यार, इतना मशहूर हुआ नहीं है कि वो खुद बुलाए इसको, वो जाना पड़ेगा। मीर दिल यार ये हमारा पीछे पड़ा है, पता नहीं क्यों यार भाई, क्या मतलब क्या इतना खालिक भाई मेहनत कर रहे हो, कम से कम वो खुद आवाज पे आ गए अभी यूट्यूबर। बोलेंगे इंशाल्लाह, इनको बोलो यार हम यूट्यूबर है भाई, वीडियो बनाने आए।
क्यों नहीं मनाने देंगे? देखो आप जैसे है ना, जो बच्चों के जो आप जैसे बच्चों के टिकटॉकर होते हैं ना, उसकी वजह से हमारा इज्जत खराब होते है, क्या बोलते हो? कहाँ गए? मैं गया था धूप फेंकने। इंशाल्लाह भी आएंगे, काले भाई का तो शादी हो गया वरना यहीं से ले लेते काले भाई के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे, इधर ही लेंगे, अभी तो आया थोड़ा घूमने। बिलाल भाई की शादी होगा तो आरिफ भाई की शादी होने वाला है, तो आरिफ भाई की शादी होने वाला है, आरिफ भाई को मशवरा देते हैं। आरिफ भाई को कोड दिखाओ पहले। खालिक भाई वो बिलाल भाई खालिक भाई देख रहे अपने लिए चीजें लेंगे, नहीं मुझे बताया। भाई जिसको ऐसे ड्रेस खरीदना है तो खालिक भाई से रब्ता करें। ए खालिक भाई, बलोची ड्रेस है लेडीज, जिसको अगर खरीदना आप फिर रब्ता कर सकते हैं। अपना नंबर बताओ। ये दोनों रेस्ट कर रहे हैं जब तक मैं आपको घुमाता हूँ। ये आप देख सकते हो भाई, बड़ा बेहतरीन मॉल है ये भी। यहाँ पे हमारे बलोची ज़्यादातर चीज़ें वगैरह, वास्कोट ये देख सकते हो, ये देख लो कितने प्यारे प्यारे हर चीज़ मिल जाएंगे। ये शॉप ही है, यहाँ पे एक जो मशहूर यहाँ पे टिकटॉकर वगैरह भी आते हैं ना, मीर धीर शॉप का नाम है, वहीं पे भी जाएंगे आप भी दिखाएंगे आपको। एक बार ये केड़ी भी देख लो आप, बलोची। चलो खालिक भाई, बहुत जाएंगे। अच्छा दो दरिया मतलब दो समंदर, कौन कौन से? एक नीलम। चलो जाते हैं यार, बहुत रेस्ट करते हैं तुम लोग। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आज के लिए हमारा व्लॉग इतना ही, आई होप कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। ओके मैंने तो मैंने किया था एंड ये कर रहा है, तो मतलब वो ये गलत है ना, ये